हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तथा एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कैम के साथ एक्रॉस लगाते हैं या फिर कॉम के साथ इनटू या फिर कॉम के साथ ऑफ या फिर कॉम के साथ टू। ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछे हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तथा एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कम के साथ एक्रॉस लगाएंगे या फिर कम के साथ इनटू लगाएंगे, कम के साथ ऑफ लगाएंगे या फिर कम के साथ टू लगाएंगे। कम एक्रॉस, कम इनटू, कम ऑफ या फिर कम टू। यदि हम कम के साथ एक्रॉस लगाते हैं तो कम के साथ एक्रॉस लगाने पर इसका अर्थ होता है अचानक से मिलना, वस्तु या व्यक्ति बोधक के अर्थ में। यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु अचानक सामने आ जाती है तो उसके लिए हम कम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कम एक्रॉस अचानक सामने आ जाना या फिर अचानक मिलना, तो यह वस्तु बोधक अर्थ में कम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कम इनटू प्रचलन में आना, कोई चीज़ बहुत पुरानी चीज़ या फिर कोई नई चीज़ जो आजकल प्रचलन में है उसके लिए अगर जो कम इनटू का प्रयोग करते हैं, कम इनटू किसी वस्तु या वस्तु बोधक अर्थ में प्रचलन में आने के अर्थ में हम कम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रचलन में आने के अर्थ में। कम ऑफ, कम ऑफ का प्रयोग परिणाम स्वरूप आना के अर्थ में करते हैं। यदि हमने कोई कार्य किया है उसके फल के स्वरूप कोई परिणाम आया है तो उसके लिए हम कम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कम ऑफ का प्रयोग होता है तो परिणाम स्वरूप आना वस्तु बोधक अर्थ में। यदि हमने कोई कार्य किया है उसके कार्य के फल स्वरूप कोई परिणाम आया है तो कम ऑफ का प्रयोग करेंगे। कम ऑफ परिणाम स्वरूप वस्तु बोधक अर्थ में। कम टू का प्रयोग हम अवस्था में होने के अर्थ में करते हैं, स्थिति बोधक अर्थ में। किसी अवस्था में आ जाना, कम टू किसी अवस्थे में आ जाना या फिर किसी निर्जीव अवस्था में आ जाना, किसी सजीव अवस्था में आ जाना, फिर किसी भी अवस्था में आ जाना। तो कम टू लिक्विड स्टेट, यदि कोई द्रव कोई वाफ अगर जो है द्रव अवस्था में आ जाता है तो कम टू लिक्विड स्टेट, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो कम टू का प्रयोग अवस्था में आने के अर्थ में, कम ऑफ का प्रयोग परिणाम स्वरूप आने के अर्थ में, कम इनटू का प्रयोग प्रचलन में आने के अर्थ में तथा कम एक्रॉस का प्रयोग अचानक सामने आ जाने के अर्थ में करते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा प्रीपोजिशन की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।